बच्चों, पाठ एक, वह चिड़िया जो पाठ में पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ की रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रस्तुत कविता में चिड़िया के स्वाभाविक विशेषताओं का वर्णन किया गया है तथा छोटी सी चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के मानवीय गुणों पर भी प्रकाश डाला गया है। मैं अब काव्यांश एक कविता पढ़कर उसका अर्थ समझाने जा रही हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि के अनुसार चिड़िया बहुत ही छोटी, सुंदर और प्यारी सी है। इस चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। चिड़िया को अधपके जुंडी अर्थात जौ, गेहूँ, बाजरे के दाने खाना बहुत ही पसंद है। जुंडी के दाने बड़े रसीले होते हैं तथा मीठे होते हैं, इसलिए चिड़िया जुंडी के दानों को बड़ी रुचि से खाती है। उस चिड़िया को जो कुछ भी मिलता है वह थोड़ा सा खाकर ही संतोष कर लेती है। उस चिड़िया को अन्न से विशेष प्यार है। काव्यांश दो मैं पढ़कर समझाने जा रही हूँ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि कहता है कि चिड़िया वन में मुक्त कंठ से अर्थात खुले कंठ से मधुर स्वर में गीत गाती है। उस चिड़िया के गीत इतने मधुर होते हैं कि वन में रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतु सभी को उसके गीत अच्छे लगते हैं। चिड़िया अपना गीत बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। वन बहुत ही पुराना है, इसलिए कवि ने वन को बूढ़े वन बाबा कहा है। वह छोटी चिड़िया सबकी चहेती बन गई है, क्योंकि वह छोटी चिड़िया सभी के निकट जाती है और सभी लोग उसके गीत को पसंद करते हैं, इसलिए वह चिड़िया सबकी मुँह बोली बन गई है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया जिसे वन से बहुत ही प्यार है। काव्यांश थ्री। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि चिड़िया नदी जल से भरे नदी के हृदय में उतरती है और उसकी गहराई का अनुमान लगाती है और फिर उस अथाह जल से मोती के समान जल को, अमूल्य जल को अपने चोंच में ग्रहण करके उड़ जाती है। वह चिड़िया अथाह जल सागर में उतरने के कारण साहस का कार्य करती है, इसलिए उस चिड़िया को अपने ऊपर बहुत ही गर्व है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया है, वह बहुत ही प्यारी चिड़िया है और उस चिड़िया को नदी से बहुत ही प्रेम है। इस पाठ से हमें संतोषी, प्रकृति प्रेमी तथा साहसी बनने का संदेश मिलता है। धन्यवाद।